देखना तो belong to his parents.
उसके माता पिता के पास था, उसका संबंध उनके माता पिता से नहीं था। एक्चुअली हिज पेरेंट्स वेर एटेंडेंट फार्मर। एक्चुअली वास्तव में बेंची के माता पिता एटेंडेंट फार्मर थे, एक ऐसे किसान थे जिन्होंने जमीन को किराए पे ले रखा था, जिन्होंने जमीन को पट्टे पे ले रखा था फ्रॉम अ मैन नेम्ड सैंडर्स। एक सबसे उसका नाम क्या था, सैंडर्स था। दे हैड रेंटेड द लैंड फॉर 40 इयर्स। उन्होंने उस जमीन को 40 वर्षों से किराए पे ले रखा था। वेंजी के माता पिता लिव मोर इन लक ऑफ फेट रादर देन देयर इंडस्ट्री। वेंजी के माता और पिता परिश्रम के बजाय अपने वाद पे, अपने किस्मत पे बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, बहुत ज्यादा निर्भर किया करते थे। एंड दैट वाई द लैंड हैड एडेड नथिंग टू देम। जमीन के उस टुकड़े ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। और इन अदर वर्ड की मेन से दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं देयर वाज नो बेनिफिट from the land to Wendy's parents. It was easier for Wendy's father, Mr. Johnson, to preach people rather than making any business arrangements or business proposition. Wendy ke pita Johnson ke liye आसान था, एजी था लोगों को बेच देना कोई बिजनेस करने के बचा। शरेली कल्याण वो जमीन विच जॉनसन हैड रेंटेड फॉर 40 इयर्स, जिसे जॉनसन ने 40 वर्षों से किराए पे ले रखा था, बिगन टू बी सेल, बिकने लगा। The man named Sanders came to them. और वो शख्स जिसका नाम क्या था, Sanders था, वो उनके पास आया and said और बोला, Everywhere people want land, हर जगह पर लोगों को जमीन की आवश्यकता है, लोगों को जमीन की जरूरत है। So I must sell the land to you or someone else. इसलिए वो जमीन जो तुम किराए पे ले रखे हो मुझसे या तो मैं तुम्हें बेच दू या किसी और शख्स को बेच दू जो वो जमीन लेना चाहते। Then Johnson said, जॉनसन ने कहा, I am helpless. I cannot buy the land. मैं जमीन को नहीं खरीद सकता। And if I want to buy it, और अगर मैं इसे खरीदना चाहता हूं, I will have to borrow from Michael. मुझे माइकल से पैसे कर्ज लाने हैं, right? Then Sanders said, Sanders ने कहा, You need not worry. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू बाय द लैंड, अगर तुम जमीन को नहीं खरीद सकते हो, समवन इज नॉट फार अवे, तो कोई दूर नहीं है, समवन आर द अदर विल बाय द लैंड, कोई ना कोई जमीन को खरीद लेगा, राइट। देन जॉनसन आस्क्ड टू शेंडर,
तब जॉनसन ने सेंटर से पूछा, Who will wipe the land? कौन खरीदेगा जमीन को? My land. कहते हैं मेरे जमीन को. Actually, they had rented the land. She's lost 40 years. उन्होंने 40 साल से जमीन को किराए पे ले रखा था. And that's why they considered that it was theirs. और इसलिए अब वो सेंटर के उस जमीन को अपना जमीन मान बैठे. इसलिए पूछा उन्होंने, Who is going to buy the land? मेरे जमीन को कौन खरीदेगा? Then Sanders said, तब Sanders ने कहा, It is none other than your son, Mr. Wellesley, who wants to buy the land. क्या कहा? कोई और खरीदार नहीं है, खरीदार भी तेरा अपना ही कहते हैं बेटा है वेलजी. Then they thought it was really a moment of reward for them. यह वास्तव में उनके लिए एक पुरस्कार का क्षण है. The whole life, the What they did while rearing Benji, now it was to become true. वो तपस्या, वो कार्य जिन्होंने आजीवन बेंजी को पालने में किया था, अब उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी. Because the land which they did not buy themselves वो जमीन जो वो खुद कर देख सके, वो जमीन उनके ही बेटे के द्वारा खरीदा जाने वाला. दरवाजों राइटिंग ऑफ अ सिंपल माइंडेड पर्सन एंड द थॉट. उन्हें इसमें कोई बुराई नहीं लगी अगर उनका सिंपल दिमाग वाला बेटा अपने जीवन में क्या हो गया था, सफल हो गया था, अगर वो अपने बिजनेस में सफल हुआ था, जिसमें कोई बुराई नहीं थी. इट वॉज द थॉट ऑफ बेंजी पेरेंट्स. एक ख्याल थी किसकी? बेंजी के माता और पिता. दे आस्क्ड बेंजी, उन्होंने बेंजी से पूछा, वेल्जी What made you to do so? And कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें मजबूर किया ऐसा करने में? To buy your own parents' land, तुम्हें मजबूर किया अपने ही माता पिता के जमीन को खरीदने में. And asked और पूछा, When he tell me what you are going to do, what you are going to do? उन्होंने बेंजी से पूछा, बेंजी आप ये बताओ कि जमीन के टुकड़े का क्या करो? बेंजी हैड ऑलरेडी मेड आंसर. बेंजी के पास पहले से ही एक जवाब क्या था तैयार था. ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मेक मोर इनकम बेटर हाउसेज फॉर अपकमिंग है. क्या कहा? आने वाले मुर्गियों के लिए मैं अधिक से अधिक घर चलते बनाने जा रहा हूं जमीन के उस टुकड़े. राइट, एज दे वर स्पीचलेस व्हेन दे टुक द पोजीशन ऑफ द पॉप बॉक्स. राइट, जब वो शब्दहीन हो गए थे. कब? जब बेंजी ने पासबुक को अपने जेब में क्या क्या था रख लिया. और इस समय भी दे बिकेम स्पीचलेस, दे वे बिवेल्डर्ड, दे वे स्टार्टल्ड, दे वे हैंडीकैप्ड. वो हक्के बक्के रह गए, वो चक्के रह गए, अपंग रह गए. उनके मुंह से
they had thought, उन्होंने सोचा था, at least कम से कम the things will go on as it before, हालात वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे. But here, when he had another plan, लेकिन यहां तो when के पास कोई और विकल्प नहीं, योजना, right? They forget Benji. उन्होंने क्या किया? Benji को माफ कर दिया. Concerning एक दोस्त से हुए. Benji is a man of simple mind, right? जो Benji है, एक समान दिमाग का लड़का है. Who doesn't have understanding of the world? जिन्हें दुनिया की समझ नहीं. What? It was not the simplicity of Benji. यह Benji की सादगी नहीं थी. What? It was the growing cunningness of Benji. ये Benji का बढ़ता हुआ क्या था? स्वार्थ था. बढ़ता हुआ गुस्सा पल था, जिसने अपने ही पिता के जमीन को क्या किया थी? Right? Now Benji was 40 years old. Benji अब 40 साल का हो गया. As the new chicken houses began to cover one after the other on his father's former land, जब उसके पिता के पूर्ववर्ती जमीन के ऊपर एक पर एक मुर्गियों के घर बनने चलते हैं शुरू हो गए. He considered to be the biggest poultry farmer of that area, right? Benji उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुर्गी पालन करने वाला चलते हैं व्यापारी हो गया. He changed his appearance too. न केवल उसके बैंक बैलेंस में बदलाव हुआ, न केवल उसके आचरण में बदलाव हुआ, बल्कि उसके अपीयरेंस यानी हाव भाव में क्या हुआ? बदलाव हुआ. Benji, who always looked lean and thin, Benji जो हमेशा दुबला पतला दिखता था, now became rather fat. अब वो क्या हो गया थी? मोटा हो गया. The chicks, वो गाँव, which were sunken, जो धंसे हुए रहते थे, now began flaky. अब क्या हो गए? मांसल हो गए, right? And earlier he was simple. पहले वो क्या था? Simple था, साधारण था. There was simplicity in him. उसके अंदर क्या थी? सादगी थी. But now he became cunning. अब क्या हो गया? फुट हो गया. अब वो क्या हो गया? चालाक हो गया था. Nobody knows, को जानता नहीं था, how many eggs and chickens he possessed. अब उसके पास कितने मुर्गियों थे और दो मुर्गियां, हाउ मेनी एग्स देयर प्रोड्यूसिंग, कितने अंडे क्या होते हैं उत्पादन कर रहे थे. विच देयर बेइंग कैरिड बाई द लॉरी सिस्टम, जो ठेले के द्वारा बोया जा रहा. Nobody knew the amount of the passbook that was in his bank. किसी को मालूम नहीं था कि उसके खाते पे कितनी रकम. It can only be this. It can only be gauged. इसका केवल और केवल अनुमान लगाया जा सकता था. Why the fact is सच्चाई से that he now hires people to help him in his business, कि अब वो व्यापार में अकेला नहीं था.
अब वो लोगों को हायर करने लगा था, लोगों को भाड़े में रखने लगा था। जो सहायता किया करते थे कहां थी उसके वेतन among the people who worked with him, और वो लोग जो उसके साथ काम किया करते थे, among such people, और ऐसे लोगों में से, there was a girl, एक लड़की थी, whose name was Lois, जिसका नाम क्या था, Lois था, सेवा, very sad, वो बहुत ही क्या थी, मोटी थी, and ugly, और बेहद क्रूर, सुंदर नहीं, and had a mouth, और एक मुंह था, that never stuck, जो कभी बंद होता नहीं, वो हमेशा पटर पटर बोलते रहते थे, शोले की बसंती की तरह, right? But when he didn't need a distinguished girl as a wife, when he को पत्नी के रूप में एक सुंदर महिला की आवश्यकता नहीं, what he needed that was a woman who could take care of him and as well as his health, उसे तो एक ऐसी महिला चाहिए थी जो उसकी रखवाली कर सके और साथ ही साथ किसके उसके राइट। अगर कोई सुंदर महिला होता तो क्या उसके मुर्गियों के मैले को पैखाने को साफ करती, करते ही नहीं साफ करते। अगर कोई पढ़े लिखी महिला होती तो उसके अकाउंट पे ध्यान ज्यादा देती, उसके सकसों की सुनना राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी 40 का हो गया राइट। सो व्हेन ही डिडंट नीड इट अ डिस्टिंग्विश्ड गर्ल, उसे एक विशिष्ट लड़की थी जो गुणवान हो और क्या हो गुणवान हो, ऐसी महिला की आवश्यकता नहीं थी, उसे तो सिर्फ एक ऐसी महिला चाहिए थी जो उसकी भी देखभाल कर सके और साथ ही साथ उसके मुर्गी होती। And here, fluent was absolutely perfectly fit, और Florence एकदम ठीक बैठी थी। When Florence bent down to clean up the chickens' houses, he would get at his bare feet, bare fleshy feet, even her stocking and the that was totally different from the health.
जो मुर्गियों से बिल्कुल क्या थी दैट वाज इन अ वुमन गुरु जी कहां थी एक महिला में राइट एडविटेंट के लिए कोई वैन जी को यह बात स्पष्ट हो गया था साफ हो गया था हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक दैट अगली गर्ल उसके माता पिता उस लड़की को चाहते नहीं सो अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ ही अनाउंस उसने घोषणा कर दिया I'm going to marry. मैं शादी करने जा रहा हूं His father asked, उसके बाप ने उससे पूछा Aren't you mad? क्या तुम पागल नहीं हो गए हो That you are married. That ugly girl. तुम उस ugly मतलब करो अनडिस्ट्रेक्टेड लड़की से क्या होते हैं शादी करने जा रहे हो His parents were not ready. उसके माता पिता तैयार नहीं थे फॉर द मैरिज कहते हैं शादी के लिए पर्टिकुलरली when he was now a rich person who had a big amount in his pocket right क्योंकि बेंजी क्या हो गया था अमीर व्यक्ति हो गया था इसके अकाउंट में क्या था जी मोटा what लेकिन द सेम पेंटर उसी जाए रिश्तों में when he married Florence बेंजी ने क्या होते फ्लोरेंस से शादी कर ली Against the wish or desire of his parents, अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ and began to leave और रहना शुरू कर दिया वेंचर्स वाइफ अपने पत्नी के साथ इन द ओल्ड हाउस उसी पुराने घर में वेयर हिज पेरेंट्स लिव जहां वो उनके माता पिता रहा करते थे As Benji went to the house, he instructed his parents. उसने अपने माता पिता को आदेश दिया Vacate the front room. आगे का कमरा क्या उसे खाली कर दो We want them. हमें उस घर की आवश्यकता है जरूरत है As it was now Benji's house. अब वो घर उसके माता पिता का नहीं था किसका था बेंजी है आप देख क्योंकि बेंजी ने कहा था उन्हें क्या करने के लिए खाली करने के लिए दे वैकेटेड द फ्रंट रूम उन्होंने क्या किया खाली कर दिया क्या होते हैं अगले कमरे को एंड बेंट इन टू द बैक ऑफ द हाउस कहां चले गए थे घर के पिछले हिस्से में रहने के लिए दिस टेम्पररी रिमूवल ए अस्थाई जो रिमूवल हुआ निष्कासन हुआ पेंड ने उन्हें गहरा शोक पहुंचाया उन्हें गहरा दर्द दिया वट नाउ इट वॉज वेंजी हाउस अब उनका घर नहीं था उनका घर किसका घर था वेंजी का था बिकॉज वेंजी हैज अप टू वैकेट वेंजी उन्हें खाली करने के लिए कहा था दे हैव टू वैकेट द फ्रंट रूम उन्हें क्या होते हैं अगला कमरा खाली करना पड़ा और पीछे शिफ्ट करना पड़ा राइट वट इट सीम्ड ऐसा लग रहा था द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज समथिंग डिफरेंट जो लड़की थी कौन फ्लोरेंस है उसकी समस्या कुछ अलग है She didn't came to the house as a wife. वो एक पत्नी के रूप में उस घर में दाखिला नहीं ली But she entered the house with the motive to drive him away from the house. वो घर में आई ही थी उन्हें उस घर से चलते बाहर करने के लिए One day, एक दिन when Florence was watching South Pen, when Florence was washing utensils, as in the Florence Burton, साफ कर रही थी
When this mother happened to Asia, Baishi Kima वहाँ पे पहुँच गई and said or बोली, it is not good to wash the saucepan with soda. And soda says the pan को होना अच्छी बात नहीं. When she came, जब बेची आया, his wife told him everything. उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया. When she heard about the quarrel, जब बेची ने सुना उस झगड़े के बारे में, he said, उसने कहा, settle it now. इसे अब सेटल कर लो, व्यवस्थित कर लो. फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड, आज से इन द किचन आप कहां खाओगे? रसोई में खाओगे. एंड दे विल एट इन द अदर रूम, हम कहां खाएंगे? दूसरे कमरे में खाएंगे. राइट, द हाउस ओवर पर कौन सा घर? बेटी के माता पिता का. इंडिविजुअली डिवाइडेड क्या हो गया? बट गया इनटू टू पार्ट्स. कहाँ थे? दो पार्ट्स. अक्सर होता है जब नए नए दुल्हन घर में आते हैं, झगड़ा शुरू होता है और जैसे ही रगड़ा शुरू होता है घर में एक अदृश्य आए जाते हैं, खींच जाते हैं. और यही हुआ कहाँ थी? वेली में. Whenever the two women passed each other on the stairs, जब कभी दोनों महिलाएं सीढ़ियों पर गुजरा करती थी, they didn't talk to each other, एक दूसरे से बातें किया करती नहीं. They stared and grunted at each other, और दूसरे को गुर्रा कर देखा करते थे और सहारा करते थे. राइट, अल्टीमेटली इट वॉज बेंजी. ये कौन था? बेंजी था. तो टुक द डिसीजन, उसने क्या लिया? फैसला लिया. राइट, ही सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा, ही सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा, Mom and Dad, मम्मी और पापा, it would be lot better, बहुत ही क्या होगा? बढ़िया होगा. If you vacate the house, अगर इस घर को क्या होते हैं? खाली कर देते हो. And rent somewhere else to live, और रहने के लिए कहीं और चले जाते हो. Right? Then Benji's parents said, Benji के माता पिता ने, My dear son, Benji, I have no one in the world. इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है तेरे सिवा. I have no where to go. मेरा कहीं और कोई और ठिकाना नहीं है. So I can't go to the bazaar. नहीं सकता. What his parents said. Sorry, but Benji said. Benji ने कहा, I will have to go. आपको जाना ही होगा, जाना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज आवर हाउस, ये घर हमारा घर. दे हैव बाउड इट, हमने इसे क्या किया है? खरीदा है. दे वांट इट, और हमें क्या इसकी जरूरत है? हमें इसकी आवश्यकता है. व्हेन दिस फेस बिकम वायलेंट, व्हेन ही का चेहरा क्या हो गया? वायलेंट हो गया, उग्र हो गया. राइट, इट सीम्ड द फायर वाज रेडी फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आग बरस रही थी. नाउ बेंजी के पेरेंट्स अराइव, अब उसके बेंजी के माता पिता को एहसास हो गया दैट हिज सन इज रियली नॉट राइट इन हिज माइंड, उनका बेटा वास्तव में दिमाग से सही नहीं है.
पर आप क्या है वो घूमा हुआ है राइट उन्होंने कहा ठीक है आई विल फाइंड आउट सम अदर वे हम कोई ना कोई रास्ता राइट इन द नेक्स्ट वीक अगले वीक में व्हेन ही ड्रॉप हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज होम इन द टाउन व्हेन ही अपने माता पिता को अपने कार में बिठाकर ले गया एंड लेफ्ट देम in an unfamiliar street in the market और उन्हें छोड़ दिया बाजार के ऐसे गली में जो उनके लिए क्या था अनजाना था जो उनके लिए जाना पहचाना नहीं the tears जो आंसू थे they were streaming from their eyes उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी what बेंजी वाले लेकिन बेंजी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा पेरेंट्स उसने माता पिता को छोड़ दिया और वापस शिकवा द समरी ऑफ द स्टोरी द अर्थ एक समरी थी उस शब्दों में कहो कि मैंने पूरी कहानी को आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ा दिया है If you go through the book and you don't need to read it line by line. Thank you. That's it.